अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू समीनाज़ रूटीन ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और यहाँ पर ब्लॉग का स्टार्ट की हूँ कुछ मॉर्निंग से मैंने। पैर वॉश करना है घर पे जाके, लेकिन तो यहाँ पर हो गई है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 6। अब शाइस्ता को भी स्कूल के लिए रेडी होना है, तो उसका टिफ़िन बनाना है। और यहाँ पर देखिए कितना अंधेरा है, मतलब अब है ना ठंड का मौसम, थोड़ा हल्की सी ठंडी शुरुआत हो गई है और दिन बहुत छोटा होने लगा है। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर से लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ज़ाहिर सी बात है, मैं जब ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों का भी इंतज़ार रहता है। तो मॉर्निंग जो है ना, आज थोड़ी सी देर हो गई थी और मैं ना टिफ़िन रेसिपी जो थी ना, बहुत जल्दी जल्दी मैंने शाइस्ता को फ्रैंकी बना के दी थी। देखिए अब थोड़ा सा उजाला होने लगा है। मैं शाइस्ता को छोड़ आई थी स्कूल और यहाँ पर मैं कुछ मिर्ची साफ़ करने लगी थी। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि एक हाउसवाइफ होती है तो फिर बहुत सारे काम होते हैं। हालांकि मेरा काम थोड़ा सा डिवाइड हुआ होता है, मेरी जो मदर इन लॉ है कभी कुछ वो कर लेती है और कभी मैं कुछ कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग मैंने सोचा बच्चे अभी सोए हैं तो सुकून से पहले मिर्चियों को साफ़ कर लूँ, और इसे स्टोर करना होता है तो मैं इस तरह से कुछ कंटेनर्स जो होते हैं ना, तो इसमें मेरा जो स्पेस कम लेता है फ्रिज में, उसी में मैं स्टोर करके रख दूँगी। क्योंकि अगर मैं रेक्टेंगल शेप में बड़े बड़े कंटेनर्स लूँ ना तो फिर है ना उसमें बहुत स्पेस हो जाता है, मतलब पूरा पूरा रेक्टेंगल स्पेस एक लाइन पूरा वहीं से भर जाता है। तो मुझे इस तरीके के जो डब्बे होते हैं ना वो मैं फेंकती नहीं, उसे मैं ऐसे यूटिलाइज कर लेती हूँ। और ऑर्गेनाइज़र खैर अपने को उनसे ये ध्यान रखना होता है कि जो स्टोरेज है वो हमेशा 15-20 days में हमें यूटिलाइज करना होता है, पूरा यूज़ करना होता है। तो इस तरह से कुछ कंटेनर्स अगर आपके पास आते हैं तो उसे डिस्कार्ड ना करें, उसे यूज़ करें, अपने ऑर्गेनाइज़र उसे बनाएं। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी सुबह का नाश्ता। अब ठंडियों के मौसम में आलू मटर की सब्ज़ी ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैंने कुछ मटर मैंने क्लीन करके रखी थी पहले से ही, और मैंने 2 आलू ले ली हूँ। और इसमें और कोई ज़रूरत नहीं, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक वॉश दे दूँगी, हल्का सा बस पानी में भिगो के रखना है ताकि आलू का स्टार्च भी निकल जाए और मटर को एक हल्का सा पानी मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी हूँ गैस पर कुकर। और यकीन करें कि है ना, अगर आप ये नाश्ता सुबह एक बार बनाएंगे ना तो आपका मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ना बस ये बार बार बनाऊं मैं। तो उसके लिए मैंने तड़का दे दी हूँ मिर्ची का। मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और जब तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाए ना तो कुछ मिर्चियों का जो सूरत है ना, मतलब क्या कहेंगे इसे, मिर्ची जो जब एकदम तड़का एकदम तैयार हो जाए ना तो उसमें डाल देंगे आलू और मटर, बस दैट्स इट। मतलब इसमें और कोई चीज़ डालनी ही नहीं है। बहुत सारे मसाले स्पाइसेस, मुझे पता है आलू मटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, बट ये ट्राई करिएगा आप, यकीन करें आपके घर वाले कहेंगे क्या डाल के बनाएं इसमें। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दी हूँ और थोड़ा सा पानी का छींटा, और बस एक विसल दे दूँगी। तब तक के लिए मैं धनिया काट लूँगी। और ये नाश्ता जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली ना ठंडियों के मौसम में सुबह सुबह बनता है गरम गरम पराठों के साथ। ये सबका अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का, बस तरीका अलग अलग होता है, टेस्ट अलग आ जाता है। जब टेस्ट अलग आता है और अच्छा लगता है तो बस मुझे अप्रिशिएट करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा मसाले, कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने कांदा भी नहीं डाली हूँ, टमाटर भी नहीं। और जब ये गरम गरम होगा ना तभी हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और इसे हम गरम गरम पराठे से, कुरकुरे पराठे से सर्व करेंगे। ज़रूर से ट्राई करिएगा, ठीक है। तो हस्बैंड मीनवाइल है ना नहा वहा के आ गए थे, तो उनके लिए बस चाय बनाने लगी थी मैं। अच्छा, तो मैं अपने YouTube के जर्नी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और अभी मेरे 1K सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि मुझे चैनल बीच में छोड़ना पड़े, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं और अभी आप मुझे सुन रहे हैं और आप अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से मुझे सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को शेयर करिएगा। तो यहाँ पर है ना,
लाइक कभी कभी नर्वस हो जाती हूँ कि अभी तक मेरे चैनल का ग्रोथ नहीं हुआ है। खैर कभी कभी होता है, देर सवेर हो जाती है, बट हिम्मत तो मैं नहीं हारूँगी। इस बार मैं अपना जो नाम है YouTube पर वो ज़रूर बना कर रहूँगी, अपनी जगह बना लूँगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। खैर यहाँ पर बातों बातों में है ना, यहाँ नाश्ता प्रिपेयर हो गया है हस्बैंड के लिए, गरम गरम पराठे और ये है आलू मटर की सब्ज़ी, बिल्कुल हरी हरी और गरम गरम चाय। तो हस्बैंड चले गए थे काम पे और मैं चली गई थी मार्केट। मार्केट से मैं कुछ सब्ज़ी लेकर आई थी क्योंकि ये ना मेरे बच्चे बिल्कुल भी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अब है ना इनकी टिफ़िन रेसिपीज़ के लिए ना मैं कुछ सब्ज़ियों को यानी कि कटिंग चॉपिंग करके फ्रीज़र में रख दूँ, ताकि कभी भी जब मन करे कुछ भी बनाना हो तो एटलीस्ट ये सब कटा हुआ होगा ना, तो फिर मुझे इतना हेक्टिक नहीं होगा जब मैं लाइक जो भी टिफ़िन बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं गाजर ले आई थी और मैं अभी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेकर आई हूँ, थोड़े थोड़े से लेकर आई हूँ ताकि मैं देखूँ पहले कि किस तरह की रेसिपी मैं इनसे बना सकती हूँ। तो गाजर को मैंने अच्छे से छील लिया है, अब मैं इसे बारीक बारीक है ना कट कर लूँगी। अगर आपके पास बड़ा वाला जो इलेक्ट्रिक कटर होता है ना, तो फिर आप उससे कटिंग चॉपिंग कर सकते हैं, बस यही ध्यान रखना है कि वो दरदरा कटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने कुछ सब्ज़ी जैसे कि गाजर, खास करके गाजर ली हूँ क्योंकि ये चीज़ जो है ना आँखों को बहुत ज़्यादा ठंडक देती है। और यहाँ पर मैंने बीन्स भी ले हूँ, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सब्ज़ियों को बारीक बारीक कट करके फ्रीज़र में स्टोर कर देना। और जब फ्रीज़र एक बार जम जाता है ना, तो फिर है ना मतलब जब हम इसे निकालेंगे ना, तो ये मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है गलने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं नाइफ़ और छोटे छोटे से पीसेस करके इसे मैं चॉप कर रही हूँ। आप चाहे तो कटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रहे कि वो दरदरा पीसेस चाहिए उसमें। तो एक्चुअली है ना मैं कॉर्न भी ले आई थी, लेकिन कॉर्न जो है ना बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वो मीठा मीठा लगता है, तो कॉर्न मैं ना एक्चुअली फ्रीज़ करने भूल गई थी। और मैं मार्केट गई थी तभी ही मैंने ये जिप लॉक बैग भी लेकर आई थी। वैसे तो मैं ये सब बैग मैं यूज़ नहीं करती, मेरी वेरी फर्स्ट टाइम मैं ये लेकर आई हूँ और मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि मैं बीच बीच में कटिंग वगैरह करके रखूँ। तो मतलब जब भी बनाने लेती हूँ तो पहले मुझे कटिंग चॉपिंग करनी पड़ती है, जब ये बना होगा ना तो फिर मेरे लिए एक मेरा एक काम इजी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मैंने बारीक बारीक कट करके मैंने पैकेट्स बना ली हूँ और यही तैयारी ना तकरीबन मैं ऐसे रमज़ान में भी करती हूँ, बस पैकेट्स में नहीं रखती, एक पॉलीथीन मेरे पास हमेशा होती है तो उसमें रखती हूँ मैं। तो ये है बीन्स और कैरेट्स और ये है शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची का मैंने एक ही पैकेट बनाई हूँ क्योंकि जो चार पांच शिमला मिर्ची मेरे पास रखी हुई थी वो मैं मार्केट से नहीं लाई थी, वो ऑलरेडी था मेरे पास, तो मैंने उसे कट कर दी और बीच में जब मैं फिर कभी नीचे जाऊँगी तो उसे मैं वापस लेकर वापस से रिफ़िल कर दूँगी। तो इसे सब सारा कुछ है ना फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये जम जाए और जब भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं इसे निकाल कर यूज़ कर सकूँ। अभी तो फ़िलहाल छोटे छोटे पैकेट्स मैंने बनाई हूँ क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बहुत ज़्यादा स्टोरेज करूँ तो फ्रीज़र में भी फिर जगह नहीं होगा। खैर यहाँ पर है ना आप यही नहीं कि सिर्फ टिफ़िन रेसिपीज़ में आप उसे बना सकते हैं, उसे हम बना सकते हैं लाइक पुलाव में या फिर वेजी पुलाव में या फिर फ्रैंकी में, नए नए तरीके से आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उससे। तो जब वेजीज तक कटी होगी ना तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ भी आएंगे। मीनवाइल चिड़ियों को दाना देने का टाइम हो गया था, फीडिंग इनको भी करनी पड़ती है नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली करने लगते हैं। कुछ यहाँ पर मैं ना वो क्या कहते हैं कि पुदीना भी ले आई थी और उसे मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है। और फिर मैं शाम की बात कर रही थी कि शाम में हम लोग गए थे मॉल, वहाँ पर मॉल में इतना बड़ा पंखा देखकर है ना मेरी हंसी छूट गई थी, लेकिन सच बताऊँ तो वो पंखा बहुत ही अच्छा शानदार हवा दे रहा था, सिर्फ नाम के लिए नहीं घूम रहा था वो। तो बेसिकली ना वहाँ पर मॉल में शूटिंग के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स ले ली हूँ।
चुभ रहा है तो यहाँ पर बच्चे ना मॉल में फ़िश स्पा ले रहे थे, हालांकि ये इस्लाम में हराम है। तो एक्चुअली पूरा कंटेंट तो मुझे नहीं पता इस बारे में, अगर आपको कुछ पता होगा तो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और जाने से पहले ज़रूर से अपने दुआओं में फ़िलिस्तीन के लोगों को याद करिएगा, उनके लिए बहुत सारी दुआएँ करिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।